मनपसंद की चीजें भी खाना पर वेट लॉस भी करना, क्रेविंग्स को चुनो तो डाइट रुक जाती है एंड डाइट को चुनो तो क्रेविंग्स बहुत सताती है, क्योंकि डाइट के खाने में टेस्ट कहाँ मिल पाती है एंड ऊपर से वेजिटेरियन हूँ तो वहाँ भी प्रोटीन की कमी रह जाती है। तो काश ऐसा होता कि डाइट, टेस्ट, हेल्थ, प्रोटीन सब साथ में मिल जाता तो सोचो डाइट फॉलो करना कितना आसान हो जाता। मिल जाता है क्या होता है, मिल रहा है एंड डाइट बहुत आसान भी कर रहा है। तो आई वेलकम यू ऑल इन द 5th एपिसोड ऑफ वेजिटेरियन डाइट, जहां हंसते हंसते टेस्टी खाना भी खाए, वेट भी घटाए, नो फैंसी डाइट, नो मोर स्ट्रेस, पर चेहरे पे खुशी लाए एंड प्रोटीन इंटेक भी पूरा कराए। एंड अगर आपने पहले 4 एपिसोड्स नहीं देखे तो क्यों ना ये वीडियो पूरा देखने के बाद वो भी थोड़ा देख ही लिए जाए। तो स्टार्टिंग माई डे विद बनाना बिकॉज ये मेरा कम्फर्ट फूड है एंड सुबह सुबह वेट लॉस के लिए ना जीरा वाटर पीना ना कुछ और खाना, एक बनाना एम्प्टी स्टमक खा लिया तो वही है मॉर्निंग की एनर्जी का खजाना एंड सुबह सुबह क्रेविंग्स अवॉइड करनी है तो बनाना जरूर खाना। तो ब्रेकफास्ट थोड़ा पावर पैक तो होना चाहिए, बट चटपटा भी खाने का मन है तो क्यों ना दाल के सॉफ्ट सॉफ्ट प्रोटीन से भरपूर, कैलोरी से थोड़े से दूर ऐसे ढोकले बना ही लिया जाए। तो उसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम चना दाल, 50 ग्राम राइस, 40 ग्राम उड़द का दाल एंड 40 ग्राम मूंग का दाल। इन सबको 7 to 8 आवर्स के लिए सोक करने के लिए रख देना है एंड सोक होने के बाद थोड़ा सा पोहा लेना है एंड उसमें भी पानी डाल के सोक करने के लिए रख देना है। तो अब हम बनाएंगे दाल, चावल एंड सोक किए गए हुए पोहा का पेस्ट। तो ये बैटर का पेस्ट बनने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना एंड 7 to 8 आवर्स के लिए इसे फर्मेंट करने के लिए रख देना है। तो सुबह सुबह ये बिना किसी भी सोडे के बहुत नेचुरल वे से फर्मेंट हुआ है। तो अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कर्ड, 1 स्पून शुगर, टर्मरिक, ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर का पेस्ट एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छे से मिक्स करना एंड अब एक थाली में थोड़ा सा ऑयल लगाना है एंड फिर उसमें ये बैटर भी फिट करना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में 10 मिनट्स पहले ही पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो नाउ वी हैव टू स्टीम दिस बैटर फॉर 20 मिनट्स एंड डन। अभी बारी है तड़के की। तो यहाँ गया कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, मस्टर्ड, जीरा, करी लीव्स, ग्रीन चिली एंड अब ये तड़का गया यहाँ पे। एंड कोरिएंडर के बिना ढोकला खाने में मजा नहीं आता ना, तो कोरिएंडर तो डालना ही डालना है एंड ऊपर से थोड़ा सा ड्राई कोकोनट बिकॉज हेल्दी फैट भी हो जाता है एंड सेव के लिए गुड ऑल्टरनेटिव। बट अगर आपको सेव खाना ही है तो इतना सा तो खा ही सकते हो आराम से, बट इतना सा ओके हाँ। तो अब क्या, काटो, प्लेट में डालो एंड खा लो एंड दिस इज द प्लेट ऑफ 32 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अगर गट को, डाइजेशन को, स्किन को हेल्दी रखना है तो फर्मेंटेड फूड जरूर खाना। तो ये फर्मेंटेड फूड के बेनिफिट्स भी कमाल और टेस्ट भी, और ये है कैलोरीज में लो, प्रोटीन में हाई, तो वेट लॉस के लिए बेस्ट भी। तो इतना सही ढोकला खाने के बाद, अपनी रोज की मीडियम रोस्ट कॉफी पीने के बाद चलो मिलते हैं लंच पे साथ साथ। ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हेवी होने के कारण आज लंच तक ज़्यादा भूख ही नहीं है, तो लंच में थोड़ा लाइट ही खाएंगे। डोंट वरी, प्रोटीन का ज़रूर ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम कर्ड, उसमें गया थोड़ा सा सॉल्ट, एक क्यूकुम्बर ग्रेट करके लेना है, बाद में एक कैरेट भी ग्रेट करके लेना है एंड थोड़ा सा पुदीने का पेस्ट। अब इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल का तड़का। तो यह गया जीरा, मस्टर्ड, करी लीव्स, हिंग एंड ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर एंड लास्ट में थोड़े से मसाला पीनट्स। एंड अब लेना है 100 ग्राम पनीर कट इन अ स्मॉल साइज एंड नाउ एड लेमन, रेड चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, चाट मसाला, गरम मसाला एंड 1 स्पून बेसन। मिक्स 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 वेरी नाइस and add paneer sides. Take a suji and dip all the sides into it and now shallow fry it on the both side on a medium flame and done. And this is the perfect plating of cool cool curd deep and sizzling garam garam paneer. Together that is just perfect. So weight loss meal crispy and crunchy bhi hote hai, protein rich bhi hote hai, phir bhi bahut tasty hote hai. To hum bewajah hi diet chap ko koste rehte hai. To isi crunchiness ke saath dimag aur body dono ko kaam pe lagate hai and 2-3 hours ke baad gym chalte hai. तो आज काफी हैवी जिम सेशन के बाद 1.5 स्कूप वे प्रोटीन जरूरी है बिकॉज डाइट में अगर प्रोटीन की कमी है तो समझ लेना वेट लॉस में बहुत ज्यादा दूरी है एंड प्रोटीन के बाद तैयारी डिनर की।
सो डिनर में आज बनाएंगे मसाला ओट्स, पैकेट से नहीं रहे बस घर के मसालों से एंड बहुत सारी सब्जियों से। तो यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम ओट्स, उसे 5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है एंड देन यहाँ गया कढ़ाई, थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड, जीरा, करी लीव्स, ओनियंस पकने के बाद गया टोमेटोज, कैरेट्स, बॉइल्ड ग्रीन पीस एंड लीड कवर करके सारी सब्जियों को अच्छे से पका लेना है। बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी डालना है बिकॉज हमने ऑयल कम यूज किया है एंड अब इसमें जाएगा टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, 1 टीस्पून मैगी मसाला और उससे भी कम, मिक्स 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 वेरी नाइसली एंड मसाले पकने के बाद इसमें जाएगा 1 कप पानी एंड जैसे ही पानी बॉइल होने लगे उसमें गया रोस्टेड ओट्स, लेट इट कुक फॉर अ व्हाइल एंड डन एंड लास्ट में थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है ना। तो दिस इज अ प्लेट ऑफ 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर, तो यहाँ थोड़ा और फाइबर एंड हो गया हमारा मील पूरा। टेस्ट में भी बेस्ट एंड हेल्थ में तो बेस्ट ही बेस्ट, तो डाइट बैलेंस का नाम है एंड इसी बैलेंस को डाइट बनाना हमारा काम है। तो इसी थॉट के साथ मिल्क से किया दिन खत्म एंड आज काफी हेल्दी क्रेविंग से भरे दिन में हमने प्रोटीन खाया इतना एंड कैलोरीज कंज्यूम की इतनी। तो देखो जो डाइट तुम्हारे खाने पे रोक टोक लगाए, तुम्हें वेट लॉस का लालच दिखा के दिन रात रुलाए, तुम्हारे क्रेविंग्स को हेल्दी भी ना बनाए, तो वो डाइट अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो जिंदा होके भी मर गए हो तुम, क्योंकि जिंदगी बस जीते रहना कहाँ जिंदगी है, जिंदा होने का एहसास भी जरूरी है एंड वही एहसास हमारे इंडियन फूड में छुपा है। तो आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ वेजिटेरियन डाइट, टिल देन हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, थैंक यू and bye.